क्या बांग्लादेश के नेट एनआरआर से ऊपर हो जाए, बिकॉज बांग्लादेश के तो मैचेस कंप्लीट हो गए। अब अगर सोहेब साहब इन्हें जीतना है तो एक अच्छे मार्जिन से जीतना होगा श्रीलंका से, वरना ये अच्छे मार्जिन। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले एक दफ़ा फिर बांग्लादेश को बहुत बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस। अफगानिस्तान से बांग्लादेश की टीम ने एक बड़ा मैच जो है अपने नाम कर लिया है। वेल यहाँ पे कहा जा रहा है कि बांग्लादेश ने अफगानिस्तान की जो पोजीशन है उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। अफगानी जो कि ख़ुद को बहुत ज़्यादा समझ रहे थे, लेकिन जब वो मैदान में आए तो यहाँ पे जो पूरी की पूरी जो टीम है उसको ठीक है डन कर दिया गया बांग्लादेश की जानिब से। बांग्लादेश ने पहले तो इतना बड़ा हदफ दिया जिसको अफगानिस्तान के प्लेयर्स चेस ना कर सके। वेल यहाँ पे जी अब अफगान की जो टीम है उसको बड़ी मुश्किल का शिकार कर दिया है बांग्लादेश ने, और बांग्लादेश या खुद जी सुपर फोर में पहुंच चुका है। अब पाकिस्तान का जो मीडिया है कॉन्टीन्यूसली इस चीज़ पे जो है बात हो रही है, इस चीज़ पे डिस्कशन हो रही है कि आखिर जो है अफगानिस्तान की टीम क्या करेगी, आखिर श्रीलंका की टीम अगर हारती है तो क्या होगा, तो बांग्लादेश किस पोजीशन पे है। हर एक चीज़ को यार देखा जा रहा है। अभी मैं आप लोग से रिपोर्ट देखूंगी, ये रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रिपोर्ट आप लोगों ने आखिर तक देखनी है। पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है बांग्लादेश टीम के हवाले से, अफगानिस्तान टीम के हवाले से, वीडियो आप लोग आखिर तक देखिए। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को जी लास्ट में लाइक कर लिया करें। तो चलते हैं देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। पॉइंट टेबल पे देखें बांग्लादेश 0.373, ये हो गए नेगेटिव 1.78 बिकॉज उनके 335 इनके 245, 275 पे होते हैं तो ये शायद उसके बराबर होते बराबर। फिर जब श्रीलंका के खिलाफ जीतना तो है इन्होंने, मतलब टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। जब श्रीलंका की जब देखते हैं तो ये उस रन नेट रन रेट को टारगेट लेके चलते हैं। क्या बांग्लादेश के नेट एनआरआर से ऊपर हो जाए, बिकॉज बांग्लादेश के तो मैचेस कंप्लीट हो गए। अब अगर सोहेब साहब इन्हें जीतना है तो एक अच्छे मार्जिन से जीतना होगा श्रीलंका से, वरना ये बाहर है। अच्छे मार्जिन इनके पास मैथमेटिशियन बैठा होगा जो तुम्हें बताएगा कि अगर तुम सेकंड बैटिंग कर रहे हो तो तुम इतने ओवर में टारगेट में पहुंचो, और अगर तुम पहले बैटिंग कर रहे हो तो इतने ओवर के इस स्कोर के नीचे नीचे आपको श्रीलंका को। हमारे पास एक्सपर्ट्स की राय आ गई है, हमारी आवाम भी जो है वो बड़ी राय देती रहती है। देखिए अफगानिस्तान की एक बात साथ एक है प्रॉब्लम कहूंगा इसको, टैलेंट है टेक्निक नहीं है। एग्रेशन से खेलते हैं ना सर, एग्रेशन से एग्रेसिव हो जाते हैं जब होते हैं, फील्ड पे झगड़े भी करते हैं, फटे भी हो रहे हैं बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। वो तो ऑस्ट्रेलियंस भी करते हैं, लेकिन क्या, लेकिन सर वो तो, लेकिन मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड क्लास टीम भी तो है। आपको पता बहुत दफा ये भी हुआ है कि 325 या 300 350 चेज हो रहा है, 20 ओवर तक स्कोर हुआ है 40 ओवर तक, 40 ओवर तक फहीम से 220 हुआ है या 30 हुआ है, आखिरी 8-10 ओवर में विकेट से नहीं है, कम से कम 5-6 पता लगा 100 कर दिए आखिरी 10 ओवर में, वहाँ से मैच जीत गए। ये भी एक प्लानिंग होती है कि हम वो कहते हैं ना स्लोली एंड स्टेडी, ये अपनी अपनी प्लानिंग होती है। लेकिन इनके साथ भी मैंने देखा है कि ये लोग इनकी प्लानिंग में मुझे वो प्लानिंग नज़र नहीं आती कि अभी संभाल के चलना है फिर पकड़ना है, अभी संभाल के चलना है फिर पकड़ना। बेसिकली आधे रास्ते जाके कंफ्यूज हो गए। नबी ने जो उठा के शॉट मारा, जो राशिद खान ने स्काई किया, वो शॉट बनते नहीं थे, बट सो मेनी ओवर्स लेफ्ट। बिल्कुल ऐसे आप 275-280 तक तो जाते फिर। ओके जी ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे जी बांग्लादेश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बांग्लादेश की टीम ने जो रन स्कोर किया है उससे बांग्लादेश की टीम की जो पोजीशन है वो तो काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे अफगानिस्तान की जो पोजीशन है बहुत कमज़ोर हो चुकी है। यहाँ पे अफगानिस्तान को श्रीलंका से मैच कहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा जीतना ज़रूरी है। अगर ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं करते, सही से नहीं खेलते तो ये श्रीलंका से हार जाएंगे, लेकिन अगर इन्हें अपनी पोजीशन को मेंटेन करना है तो श्रीलंका को इस मैच में हराना होगा। और यहाँ पे इनकी जानिब से काफ़ी अच्छा एक बात की गई कि अफगानिस्तान की जो टीम है उसमें यार टेक्निक की कमी है, वो सोच समझ के नहीं खेलते, उनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और इस तरह जो है वो खेल ख़राब कर बैठते हैं।
अब यहाँ पे जी काफी सारे ओवर्स मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद जो है जो परफॉर्मेंस है वो नहीं दी गई। 300 तक पहुंच जाते तो इनकी टीम की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती, लेकिन यहाँ पे जो 300 है वहाँ तक वो नहीं पहुंच सके और काफ़ी दूर ही बांग्लादेश के सामने जो है ढेर हो गए। अफगानी अब आगे क्या करेंगे, श्रीलंका से जीतते हैं हारते हैं क्या होता है अब वो तो देखेंगे। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग क्यों भी कहना चाहते हैं बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को जी आप लोग लाजमी लाइक करें, लाइक का बटन सामने उसे जल्दी से क्लिक कर दें, वीडियो को लाजमी शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर।